नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन, संदेश काली पीड़िता रेखा पात्रा से। प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, पीएम ने फोन पर शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया। बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं रेखा पात्रा। केरल की अलाथुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर सरासू से भी बातचीत की। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूपी के मेरठ में 30 मार्च को पीएम मोदी की रैली। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी रैली के मंच पर होंगे। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद यूपी में पहली रैली होगी। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर विवाद। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बयान की शिकायत। और दिलीप घोष ने पिता को लेकर ममता के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस सब के बीच में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। विपक्षी नेताओं के बयानों के खिलाफ शिकायत की है। अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। बड़ी खबर सूत्रों से, बड़ी खबर आ रही है, रामलीला मैदान की रैली में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली है। दिल्ली नहीं आने के पीछे सिर में चोट का कारण दिया गया है। और चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान। अप्रैल के पहले हफ्ते से तीनों बड़े नेताओं के चुनावी अभियान, राहुल, खड़गे और प्रियंका गांधी की पहले चरण की सीटों पर रैलियां होंगी। और पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान, अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा, जाखड़ ने कहा। और के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तिहाड़ की महिला जेल नंबर 6 के अलग सेल में रखा गया है। कविता ने कहा, यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला। इन सभी खबरों के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला। हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोटकों से लदे वाहन के काफिले को टक्कर मारी और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पर भी हमला हुआ है। इन सभी खबरों के साथ अब कर्टन रेजर में आपको जो खबर दिखा रहे हैं, पहली खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, क्या बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई है? डॉन के खिलाफ साजिश रची गई या डॉन ने खुद कोई साजिश रची है? दूसरी खबर, कंगना पर विवादित टिप्पणी का मसला थमा भी नहीं था कि आज ममता बनर्जी के खिलाफ मर्यादा की सीमा लांघी गई। चुनाव में भाषाई मर्यादा की गारंटी क्यों नहीं मिलती है? बड़ी खबर, संदेश खाली की पीड़िता रेखा को प्रधानमंत्री ने फोन क्यों किया, उन्हें शक्ति स्वरूपा क्यों कहा, हम आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने आज कौन सा आदेश दिया? सड़क पर बीजेपी बनाम आपकी कैसी जंग दिखी? और पांचवी खबर, पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की हत्या की गई है, क्या है मामला? इस्लामाबाद पर बीजिंग के फाइनल ऑर्डर की वजह बनेगा क्या? लेकिन पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिक्र आपकी में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की सबसे सनसनीखेज खबर। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को डर है कि उसे स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश हो रही है। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय डरे सहमे मुख्तार अंसारी ने जेल में खुद को मारे जाने का अंदेशा जताया था। अब एक साल बाद मुख्तार अंसारी का आरोप है कि उसे जेल में स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारने की साजिश रची गई है। चुनावी मौसम में इस आरोप से यूपी की सियासत में नया उबाल क्यों आया? बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की नई जंग क्यों शुरू हुई है? पूर्वांचल की राजनीति में असर डालने वाली यह सियासत थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का यह हैरान करने वाला दावा सुनिए, वो रिपोर्ट जो सीधे बांदा से आई। क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया? क्या डॉन मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश रची गई? मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो कुख्यात बाहुबली जिसकी ठसक और हनक कभी लखनऊ में सत्ता के गलियारे में गूंजती थी। दशकों पहले जिसका खौफ मऊ गाजीपुर से लेकर वाराणसी की सड़कों पर दिखता था, वो मुख्तार अंसारी पिछले 18 साल से जेल में बंद है। लेकिन अब उसके परिवार की तरफ से सनसनीखेज आरोप है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को खाने में जहर मिलाकर मारने की साजिश रची गई, उसकी हत्या की कोशिश हुई। सुनिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का ये हैरान करने वाला बयान। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया।
ये पूरा मामला क्या है? दरअसल सोमवार की रात जेल में मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे आनंद फानंद में बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी को रात में ही सूचना दी गई। अफजाल मुख्तार से मिलने तुरंत बांदा के लिए रवाना हुए। मुख्तार का हाल जाना, मुख्तार ने इसी दौरान अफजाल को बताया कि जेल के खाने में उसे जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश हुई। जो उन्होंने हमको दास्तान बनाई बताई उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आज सुबह 8 बजे मुख्तार का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया कि उसे पेट में दर्द की शिकायत थी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, जिसका इलाज किया गया और इस वक्त मुख्तार की हालत स्थिर है। पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज ऑपरेशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से खुला हुआ है और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार की तरफ से ऐसे आरोप लगे हों। एक हफ्ता पहले भी मुख्तार ने जेल के खाने में धीमा जहर देने की शिकायत की थी। बाराबंकी की अदालत में 21 मार्च को फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। उसकी जगह डिप्टी जेलर कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार के वकील ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस वक्त मुख्तार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि ये भी आप सुनिए। साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ पैर और शरीर की नसों में दर्द हो रहा है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। 40 दिन पहले भी मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। जो स्टाफ खाना बनाने के बाद चक्कर मुझे देता है वो भी बीमार पड़ गया और उसका इलाज कराया गया, इसलिए इलाज की व्यवस्था करवाई जाए, साथ ही मेडिकल बोर्ड बनाकर जाँच करवाई जाए। मुख्तार अंसारी आज डर के मारे बेहाल है, लेकिन एक वक्त था जब उसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी जरूर जाननी चाहिए। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। उस पर यूपी, दिल्ली, पंजाब में 25 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या 65 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, धमकी, दंका भड़काने के मामले, धोखाधड़ी, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा, अवैध वसूली के केस दर्ज। वह चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी है। माफिया ब्रजेश सिंह ने से उसकी पुरानी अदावत है। मुख्तार अंसारी को साल 2017 में पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया और साल 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है, इसमें से 2 बार उम्र कैद की सजा शामिल है। पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। लेकिन यहां इस बार सवाल उसके गंभीर आरोपों का है, जिस पर यूपी की राजनीति गर्म। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाए। जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग नाटक करते हैं। पंजाब से जब यूपी आना पड़ा, नाटक करके जो है व्हील चेयर पकड़ लिए। जिम्मेदारी सरकार की है, कैदी जेल में बंद हैं, उन सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इस खबर में एक एंटी क्लाइमैक्स है। मजेदार बात यह है कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने एक तरफ भाई मुख्तार को जेल में जहर देने का शक जताया तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि मुख्तार कब्जियत से परेशान थे। इलाज मिलने के बाद से उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इस छोटी सी बीमारी को तिल का ताड़ बनाया और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई।